हाय फ्रेंड्स, आप कौन शर्मा टीचर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड बेल रिंग द बेल आइकन। प्रेजेंट कंपोजिशन सेंटेंस, प्रेजेंट कंपोजिशन सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वर्तमान मजबूरी या बाध्यता वाक्य। कंपोजिशन मीन्स क्या होता है? मजबूरी या बाध्यता, मतलब मजबूरी या बाध्यता समझती है। मतलब जैसे कि कोई वर्क हम लोग नहीं चाहते करना, फिर भी वो हमें करना पड़ता है, तो हम लोग क्या होता है? मजबूरी या बाध्यता वाक्य होता है। जैसे हम लोग नहीं चाहते कि स्कूल जाएं, नहीं चाहते कि हम लोग कोई काम करना पड़े, पर अभी हम लोग उस काम को करना पड़ जाता है, तो हम लोग क्या होता है? कंपल्सन होता है, मजबूरी होता है। ठीक है, तो कहीं देखिए कंपल्सन अगर ये ट्रांसलेशन के हम लोग कैसे करेंगे, कंपल्सन को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हम लोग को ये सीखना है। या कंपल्सन को बोलना अगर हो किसी भी कंपल्सन सेंटेंस हमके फ्रंट में आया हमारे सामने गाइस, तो उसको कैसे बोलना हम लोगों को वही आज हम लोगों को सीखना है ना। देखिए गाइस, सिंटैक्स मींस क्या होता है? सूत्र, सूत्र। इसका देखिए गाइस सिंटैक्स क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों को यूज करना होगा सब्जेक्ट, कराएंगे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आया सिंगल सब्जेक्ट हो या प्लस सब्जेक्ट हुआ लगा लेंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे? हैज लगाएंगे, करेंगे हैज। अगर सब्जेक्ट सिंगल होगा तब, अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो हैव लगाएंगे, करेंगे हैव। ओके, तो प्रॉब्लम। और अगर निगेटिव सेंटेंस हो जाए, यानी सेंटेंस में निगेशन शब्द आ जाएगा, इस नहीं शब्द का यूज कर दिया गया, तो हैज की जगह पे हैजंट और हैव की जगह पे पहचान। देखिए इसका पहचान क्या होगा गाइस, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आओ, कोई भी सब्जेक्ट आओ सिंगुलर हो या तो प्लुरल, ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा? वर्ब आया होगा, कोई भी वर्ब आ सकता है, ठीक है। और उस वर्ब में क्या लिखा होगा? या तो ना, या तो नी, या तो ने, और लास्ट में क्या होगा? ओके, जब भी देखिएगा सबसे पहले सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, वर्ब में ना नी ने जुड़ा, लास्ट में क्या है, तो उसको हम लोग इसका कहते हैं प्रेजेंट कंपल्सन सेंटेंस। उसको ट्रांसलेशन करते वक्त या तो बोलते वक्त क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगल होता है तो हैज का यूज करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो हैव का यूज करते हैं। ओके, और निगेटिव के लिए हैजंट और हैवंट। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? टू लगाएंगे, और ये जो वर्ब होगा गाइस उस वर्ब की इंग्लिश लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे? अदर। पर कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि वर्ब में गाइस ऐसा भी होने लगता है कि वर्ब में गाइस पढ़ता या पढ़ती या पढ़ते और लास्ट में है, पढ़ता पढ़ती या तो पढ़ते और लास्ट में है या, तो उस सेंटेंस को हम लोग इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करेंगे। या तो वर्ब में ना नहीं है, या तो गाइस वर्ब प्लस था, पढ़ता पढ़ती पढ़ते और लास्ट में है, दोनों का ट्रांसलेशन गाइस सेम प्रेजेंट कंपल्सन से ही करते हैं। ओके, प्रॉब्लम। इंग्लिश सीखना है, क्या बोलना है हमको? मुझे इंग्लिश सीखना है, ऐसा बोलना है हमको इंग्लिश में गेस किसी से गेस कि मुझे इंग्लिश सीखना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने गेस बताया कि अगर वर्ब में ना नहीं हो और लास्ट में है हो, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? आई गेस। उसके बाद है या तो है, आई गेस सिंगुलर होता है प्लुरल, प्लुरल, इसमें क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, आई हैव गेस। उसके बाद गेस क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। मुझे सीखना ऐसा बोलना है, मुझे इंग्लिश सीखना है ना। सबसे पहले क्या लाएंगे?
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? आई। ठीक, लगा देंगे हैव या तो हैव लगाएंगे अब गाइस। आई गाइस सिंगल होता है प्लुरल, प्लुरल गाइस तो प्लुरल के लिए क्या लगता है गाइस? हैव, आई हैव बीन। उसके बाद क्या लगाएंगे? टू एंड टू हमने बताया गाइस, टू लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब गाइस, वर्ब में हो गाइस क्या है? सीखना, सीखने का इसका लिए लर्न होता है, क्या होता है? लर्न, लर्न मींस क्या लगे? सीखना। और अदर हम लोगों का इसका क्या बच रहा है? इन सबसे लास्ट में देंगे गाइस। तो गाइस अगर बोलना है मुझे इंग्लिश सीखना है, आप टू लर्न इंग्लिश करेंगे? आप टू लर्न इंग्लिश करेंगे? आप टू लर्न इंग्लिश करेंगे? आई हैव टू लर्न इंग्लिश करेंगे? आई हैव टू लर्न इंग्लिश करेंगे? आई हैव टू लर्न इंग्लिश। कभी कभी क्या होता है पढ़ता पढ़ती पढ़ते भी आ जाता है। तो जैसे कि राहुल को पैदल चलना पड़ता है, सेंटेंस में क्या राहुल को पैदल चलना पड़ता है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? राहुल, राहुल लिखेंगे सबसे पहले। अब उसके बाद तुरंत हम लोग क्या लगाना है? हैज या तो हैव इज। अब देखते हैं गाइस राहुल नेम आपका सिंगल पर्सन है गाइस, इस वजह से सिंगुलर है ना, क्या लगाएंगे? हैज, राहुल है। और उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? टू, हैज टू। वर्ब गाइस क्या है? पैदल चलन, चलने के लिए क्या देंगे? वॉक। और पैदल गाइस ऑन फुट, ऑन फुट, ठीक ना। तो अगर बोलना होगा राहुल को पैदल चलना पड़ता है, राहुल हैज टू वॉक ऑन फुट, चलेंगे? राहुल हैज टू वॉक ऑन फुट, चलेंगे? राहुल हैज टू वॉक ऑन फुट, चलेंगे? राहुल हैज टू वॉक ऑन फुट, राहुल हैज टू वॉक ऑन फुट। कोई दिक्कत? बोलेंगे सब, जैसे मान लीजिए बोल, जैसे मान लीजिए बोलना है मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है, आपको ऐसा बोलना है कि मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है। वर्ब मीन नहीं है, लास्ट में है, तो हम लोग क्या हो गया? कंपल्सरी सेंटेंस हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट कौन है? मुझे, आई। उसके बाद करेंगे हैज या तो है सिंगुलर है प्लुरल में गाइस। अब हैज या है डालेंगे पर सेंटेंस हम लोग का गाइस क्या है? निगेटिव है, इसमें नहीं वर्ड आ गया ना, सो तो क्या करेंगे गाइस? हैजंट या हैवंट, और आई प्लुरल है इसे क्या लेंगे? हैवंट। ओके, आई हैवंट। उसके बाद गाइस क्या लगाएंगे? तुरंत टू लगाएंगे, टू। अब गाइस वर्ब लगाएंगे गाइस, वर्ब में होगा गाइस क्या है? खेलना, प्ले। अदर गाइस क्या बच रहा है? तो अगर आपको बोलना है मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है, देन आई हैवंट टू प्ले क्रिकेट, चलेंगे? आई हैवंट टू प्ले क्रिकेट, चलेंगे? आई हैवंट टू प्ले क्रिकेट, आई हैवंट टू प्ले क्रिकेट, चलेंगे?